नमस्कार। आज हम प्रमुख दो महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो परीक्षा उपयोगी है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रथम, लैंथेनाइड संकुचन क्या है? एम द्वितीय, Fe2+ आयन की त्रिज्या Mn2+ आयन की त्रिज्या से कम होती है, क्यों? तो आइए जानते हैं इन्हीं दो महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। प्रथम बिंदु हमारा लैंथेनाइड संकुचन। तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ लैंथेनाइडों के आकार में कमी होना लैंथेनाइड संकुचन कहलाता है। अर्थात सेरियम से लेकर परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 तक, ड्यूटेरियम तक बढ़ने पर लगातार परमाणु का आकार छोटा होते जाता है, और परमाणुओं का आकार छोटा होना या संकुचित होना ही लैंथेनाइड संकुचन कहलाता है। आइए हम कारण पर चर्चा कर लेते हैं, लैंथेनाइड संकुचन का कारण क्या है। तो कारण, इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश में प्रवेश न करके N-2F उपकोश में प्रवेश करते हैं, अतः इलेक्ट्रॉन नाभिक के इर्द गिर्द प्रवेश करते हैं, और नाभिक के इर्द गिर्द प्रवेश करने की वजह से नाभिकीय आकर्षण बढ़ते जाता है, और नाभिकीय आकर्षण बढ़ने की वजह से लैंथेनाइडों के आकार क्रमशः छोटे होते जाते हैं, क्योंकि कोशों की संख्या तो उतनी ही रहती है, परंतु इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश में न जाकर उपांत्य N-2 F उपकोष में प्रवेश करते हैं, और ऐसी स्थिति में नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है और परिरक्षण प्रभाव कम होता है। परिरक्षण प्रभाव कम होना और नाभिकीय आकर्षण बढ़ना, इन्हीं कारणों से लैंथेनाइडों के आकार क्रमशः छोटे होते जाते हैं या संकुचित होते जाते हैं। यही कारण है कि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणुओं का आकार छोटा होते जाता है, और परमाणु का आकार छोटा होते जाना ही लैंथेनाइड संकुचन कहलाता है। आइए हम द्वितीय बिंदु पर चर्चा करें, Fe2+ आयन की त्रिज्या Mn2+ आयन की त्रिज्या से कम होती है, क्यों? तो आइए जानते हैं, Fe लोहे का जो परमाणु क्रमांक होता है 26 होता है, और Mn का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 25 होता है। क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद Fe2+ आयन बनता है, इसी प्रकार से दो इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद Mn2+ आयन बनता है। इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं परंतु प्रोटॉनों की संख्या तो वही रहती है, अतः प्रोटॉनों की संख्या Fe में 26 ही रहेगी, Mn में 25 ही रहेगी। अतः प्रोटॉन की संख्या अधिक होने की वजह से Fe2+ में नाभिकीय आकर्षण अधिक होगा, और नाभिकीय आकर्षण अधिक होने की वजह से Fe2+ आयन का आकार छोटा होगा, या हम छोटा लिख सकते हैं, छोटा या कम Mn की तुलना में, और Mn का अधिक होगा, अधिक Fe की तुलना में, क्योंकि Mn के पास प्रोटॉनों की संख्या 25 है, तो Fe की तुलना में नाभिकीय आकर्षण Mn2+ आयन में कम होगा, और आकर्षण कम होने की वजह से Mn2+ आयन का आकार बड़ा होगा और Fe2+ आयन का आकार छोटा होगा। तो यही कारण है कि Fe2+ आयन का आकार छोटा होता है, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या नहीं बदलती, और प्रोटॉनों की संख्या नहीं बदलती तो नाभिकीय आकर्षण अधिक होगा, और ऐसे कैसे Mn2+ आयन में प्रोटॉनों की संख्या 25 ही रहेगी, तो Fe की तुलना में कम नाभिकीय आकर्षण होगा, और ऐसी स्थिति में Mn2+ आयन का आकार Fe2+ आयन के आकार की तुलना में अधिक होगा या बड़ा होगा। धन्यवाद।